रहा हूं, जम्मू कश्मीर में एसआई भर्ती घोटाला हुआ है और इस मामले में पूरे देश में छापेमारी चल रही है। सीबीआई टीम ने देशभर की 33 जगहों पर छापेमारी की है। हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर शहरों में छापेमारी हुई है। बड़ी खबर एसआई भर्ती घोटाले के ऊपर, अब एक्शन में सीबीआई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीबीआई की रेड हुई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में सीबीआई की रेड हुई, इसके अलावा दिल्ली, गुजरात में भी छापा मारा गया। कोशिश की कि ईरान के खिलाफ अगर कोई उसके साथ खड़ा है तो वो चीन ही है, क्योंकि सऊदी अरब से रिश्तों में तनाव के दौरान अमेरिका ने उसे हथियार देने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात का फायदा चीन ने उठाया। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच सऊदी अरब को चीन के हथियारों की सप्लाई में 386% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन ने सऊदी अरब ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को हथियारबंद ड्रोन दिए, जिसके लिए दोनों देशों के बीच साल 2017 के बाद 2022 में भी एक बड़ी डील हुई। इसके साथ ही 2021 में पहली बार ये खबर सामने आई कि सऊदी अरब चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलें भी बना रहा है।